उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित की मौत के बाद परिवार सदमे में है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निढाल हालत में रोती हुई मां ने दैनिक भास्कर ऐप से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। अब जैसे हमारी बिटिया की जान गई है, हमें भी जान के बदले जान चाहिए। वहीं पीड़ित के भाई ने कहा कि मैं कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, हमारे साथ अब हमारी बहन नहीं है। पांचों आरोपियों को सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। अब मैं लड़ाई लड़ूंगी। पीड़ित की बहन पीड़ित से एक साल बड़ी बहन ने कहा, हमारी बहन हमारा संबल थी, वह छोटी जरूर थी लेकिन हमारे परिवार के लिए प्रेरणादायक थी। अब हम उसकी मौत के बाद चुप नहीं बैठेंगे, अब हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मुझे तो आरोपियों ने पहले ही बदनाम कर दिया है, अब कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे भी जला दिया जाए, लेकिन मैं अपनी बहन के हत्यारों को नहीं छोड़ूंगी। शव के पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग सीधे उन्नाव अपने गांव जाएंगे, अंतिम संस्कार वहीं होगा। पीड़ित ने देर रात दम तोड़ा। 90% झुलसी उन्नाव की दुष्कर्म पीड़ित ने शुक्रवार रात 11:40 बजे कार्डियक अरेस्ट के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 दिसंबर की देर शाम उसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपियों ने गुरुवार तड़के उसे जलाया दिया था।